Assalamu alaikum learners, I welcome you to my channel Morale Learners Academy, the place where people come to learn. Learners, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन टॉपिक्स के बारे में और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इंपैक्ट फैक्टर जनरल्स के बारे में। अगर आपने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। सो लर्नर्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड हाई इम्पैक्ट फैक्टर जनरल्स के बारे में। सो लर्नर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लर्नर्स, पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपने इम्पैक्ट फैक्टर जनरल किस तरह फाइंड करना है, उस वीडियो में मैंने किस तरह फाइंड किए हैं। ठीक है, आपने पहले जाना है वेब ऑफ साइंस ग्रुप की वेबसाइट में, इसकी एक्सेस बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरह इसमें फ्री अकाउंट बना सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सर्च करना है फॉर एग्जांपल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ठीक है, उसका आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा इस तरह का पेज, जहाँ पर आपको ये डिफरेंट इम्पैक्ट फैक्टर जनरल्स और नॉन इम्पैक्ट फैक्टर जनरल्स के नेम दे देगा। अब आपने चेक करना है कि ये इम्पैक्ट फैक्टर जनरल्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। जो इम्पैक्ट फैक्टर जनरल्स हैं को आपने ओपन करके वहाँ से आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो पहले वो मैं क्लिक करता हूँ व्यू प्रोफाइल पेज में, ताकि मैं चेक कर सकूँ उसका इम्पैक्ट फैक्टर है भी या नहीं और कितना है। सो इस जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं गिवन, इट मीन्स कि इट्स नॉट एन इम्पैक्ट फैक्टर जनरल। अब ठीक है, इसका मैं बैक करता हूँ, दूसरा जनरल देखता हूँ जो उसके बाद है, वो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इस पे मैं जाके क्लिक करता हूँ, ये इसका पेज ओपन हो गया है प्रोफाइल। ठीक है, अब मैं नीचे जाऊँगा तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर गिवन है जनरल का, वो है 3.360। इस तरह आपने सिंपल स्टेप से आपने फाइंड कर लेना है अपनी फील्ड से और एरिया इंटरेस्ट रिलेटेड इम्पैक्ट फैक्टर जनरल। अब लर्नर्स, आगे चलते हैं इस वीडियो में। पहला जनरल जो हमारे पास है ये है कंप्यूटर्स इन ह्यूमन बिहेवियर। इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो है 4.360। ठीक है, इसमें थोड़ा नीचे जाएँ तो हमारे पास में लेटेस्ट आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं जहाँ से हम इजीली पिक कर सकते हैं, वो गिवन है। अगर आपको इनके अलावा और आर्टिकल टॉपिक्स चाहिए तो आप व्यू आर्टिकल्स में जाएँ तो आपके पास एक इस जनरल का होम पेज ओपन हो जाएगा, जो मेन पेज है। आप इसका इम्पैक्ट फैक्टर गिवन है और लेटेस्ट इश्यूज़ गिवन है, यहाँ से आप इजीली क्लिक करके कोई भी ओपन कर सकते हैं, या आप लेटेस्ट इश्यूज़ में क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब लेटेस्ट इश्यूज़ में क्लिक करके इसका पेज ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास इसके आर्टिकल्स का पेज आ जाएगा, जहाँ डिफरेंट पेपर्स पब्लिश हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, आप कोई भी टॉपिक इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड है या आपको जो इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, सारे टॉपिक्स हैं ये। इसके अलावा नेक्स्ट जर्नल है जो हमारे पास, वो है ह्यूमन सेंट्रिक कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 3.212। ठीक है, और इसके आर्टिकल्स में जाएं नीचे तो हमारे पास रिसेंट आर्टिकल्स गिवन है यहाँ पे, जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं। ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पे गिवन है, दे सकते हैं। इसके अलावा आपको और टॉपिक्स चाहिए तो आप इधर आर्टिकल्स में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आर्टिकल शो कर देगा, जो भी इस जनरल में पब्लिश हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स आपको फ्री अवेलेबल भी हैं, फुल टेक्स्ट या पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो आप इजीली डाउनलोड कर भी सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपने सर्च करना है इसमें तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। जिस समय ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को सर्च करता हूँ यहाँ पे लिख के, तो मेरे पास उससे रिलेटेड ये आर्टिकल्स शो कर देगा जो भी हैं इधर पब्लिश हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन एंड सिस्टम बिहेवियर्स एंड सो ऑन। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जनरल है, यह इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर स्टडीज़। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 2.006। इसमें भी आप देख सकते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश हैं। व्यू आर्टिकल्स में जाऊंगा तो मेरे पास और लेटेस्ट टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट इश्यूज़ में जाऊँगा अब मैं। ठीक है, तो मेरे पास और पेज ओपन हो जाएगा जहाँ डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश हैं इस फील्ड से रिलेटेड, वो गिवन है। आप इसमें भी चाहें तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। मैं सर्च करता हूँ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से। ठीक है, इस जनरल में जो पेपर से रिलेटेड हैं वो सामने आ जाएंगे मेरे पास। 2017 में ये पब्लिश हुआ होगा ये आर्टिकल। ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शन के से रिलेटेड है। फिर एक और है इसके नीचे, ये भी ह्यूमन इंटरेक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा सॉन्ग, इस तरह हम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास है ये है ACM
ट्रांजेक्शन्स ऑन कंप्यूटर ह्यूमन इंटरेक्शन, इसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा 1.734। इसमें लेटेस्ट टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन है, काफ़ी टॉपिक्स लेटेस्ट गिवन है इसमें भी। इसके अलावा व्यू व्यू टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके आप देख सकते हैं, इधर भी काफ़ी टॉपिक्स मेंशन है, यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, ये और टॉपिक्स आ गए हमारे पास, जो भी आपकी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आपने वो सिलेक्ट करना है। आपने पेपर किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह टॉपिक सेलेक्ट करना है, इसकी भी वीडियो में बना चुका हूँ मैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आपको जो टॉपिक्स में अच्छा लगता है उसको आप क्लिक करें, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, एब्स्ट्रैक्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है फिर उस आर्टिकल को डाउनलोड करें और आगे उसे आगे आप गैप फाइंड करें। नेक्स्ट जनरल जो हमारे पास है वो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 3.360। इसके में सारे इश्यूज गिवन है, पूरी लिस्ट किसमें भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं। मैं लेटेस्ट इश्यूज में करता हूँ ताकि मेरे पास लेटेस्ट टॉपिक्स आ जाए, लेटेस्ट आर्टिकल्स जनरल में पब्लिश है वो आ जाए। अब ये लेटेस्ट आर्टिकल्स मैंने ओपन किए हैं तो मेरे पास डिफरेंट टॉपिक्स सामने आना शुरू हो गए हैं जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। देख सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आपको और टॉपिक्स चाहिए तो आप इसके लेटेस्ट आर्टिकल्स में जाएं, ठीक है, या ओपन एक्सेस आर्टिकल्स में भी जाके आर्टिकल मिल सकते हैं, या इसको आप बैक करके यहाँ से इनमें से किसी भी इशूज़ में क्लिक कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास जर्नल है आज का, वो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 1.354। इसके भी मैं लेटेस्ट आर्टिकल्स में जाऊँगा, लेटेस्ट इशूज़ हैं, और यहाँ पर मुझे इससे रिलेटेड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से रिलेटेड मुझे ये टॉपिक्स देगा जो इस आर्टिकल में पब्लिश हुए हैं। यहाँ से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और जिन पे काम हो रहा है, आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये सो लेट्स आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी है तो उसको डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।